कोरबा जिले के पोड़ी उपरोला ब्लॉक के कोरबी क्षेत्र में भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिल्ली की टीम पहुंची, जिसमें दिल्ली से आए कॉमन रिव्यू मिशन CRM दल ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। गांवों का दौरा कर कोरबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर HK नायक चिकित्सा अधिकारी की ओर से ग्रामीणों को पूरी जानकारी दी गई। दरअसल जिले में फ्लोराइड के प्रभाव से ग्रामीणों के हाथ पेट टेढ़े हो चुके हैं। हालत ये है कि लगातार दूषित पानी पीने के कारण ग्रामीणों की हड्डियां कमजोर हो गई हैं। सरकार ग्रामीणों को फ्लोराइड से निजात दिलाने के लिए बहुत पैसे खर्च कर चुकी है, लेकिन नतीजा अब भी सिफर है। गांव के सरपंच राजू राम मरावी से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संपूर्ण जानकारी ली। इसके बाद ग्राम फुलसार के लिए रवाना हो गई, जो कि संवत जिले का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित गांव है। सर, दिल्ली से जो टीम आई हुई है सर जांच के लिए, कौन सी टीम है सर ये और किस तरीके के क्या क्या जांच की गई? हर साल की तरह कॉमन रिव्यू मिशन होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिलों में जाके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से जमीनी स्तर पे हो रहा है, उसकी रिव्यू के लिए टीम आई हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 8 सदस्यीय दल था, जिन्होंने हमारे जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं गाँव के लोगों के साथ में चर्चा किया और ये जानने की कोशिश की कि जो केंद्र में योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है जी। और क्या क्या जांच उसमें की गई सर? नहीं, जांच वाला कुछ नहीं था, ये एक मिशन थी जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति को देखने के लिए आई थी, ऐसे कोई जांच की स्थिति नहीं थी। फ्लोराइड प्रभावित गांव का भी दौरा किया? हाँ, वो सारे जो उनके TOR थे, जिसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है और आपके फ्लोराइड भी है, आपके अंधत्व निवारण है, NVDCP है, TB, मलेरिया, कुष्ठ आदि सारे भी जो प्रोग्राम है उनका सारा का उन्होंने रिव्यू किया है और उस पे क्रियान्वयन की स्थिति को जांचा है। छत्तीसगढ़ से कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट।